हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट एंड जस्टिफाई। ऑड वाला क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, उसको जस्टिफाई करना है। तो सबके आंसर एक साथ बता रही हूँ, ये लिख लो। सेकेंड, राइट डाउन द चेंजेस दैट विल बी सीन इन ईच इंस्टेंट एंड एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। ए 50 ml वाटर इज एडेड टू 50 ml सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये आंसर लिखेंगे आप। ये जो बी वाला है और इधर ऊपर सी वाला, ये बी और सी दोनों के आंसर साथ में बता रही हूँ, ये लिख लो। डी और ई, ये दोनों के आंसर बता रही हूँ, ये लिख लो। एफ और जी के लिए आप ये आंसर लिखेंगे। ये दो क्वेश्चन का आंसर ये है। थर्ड, क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑक्साइड इंटू थ्री टाइप्स एंड नेम द टाइप्स। इसको क्लासीफाई करना है तो अब इस तरह क्लासीफाई करेंगे। फोर्थ, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग अ फिगर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम एंड क्लोराइन। तो इसका आंसर ये होगा बी, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड फ्रॉम मैग्नीशियम एंड क्लोरिन। इसके लिए आप ये आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, शो द डिसोसिएशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड राइट वेदर द प्रॉपर्टीज सॉरी वेदर द प्रोपोर्शन ऑफ डिसोसिएशन इज स्मॉल और लार्ज। सबको आंसर एक साथ बता रही हूँ, ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये सब ए बी सी डी, ये सबके आंसर एक साथ बता रही हूँ, ये लिख लो। 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए, क्लासीफाई द एसिड्स अकॉर्डिंग टू द बेसिसिटी एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप, ये आंसर है आपका। बी, व्हाट इज मेंट बाय न्यूट्रलाइजेशन, गिव टू एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप ये आंसर लिखेंगे। सी, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड एक्सप्लेन देम, आपका आंसर ये है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है। जो फर्स्ट वाला है, NaOH सॉल्यूशन वाज एडेड टू HCl सॉल्यूशन, ये आंसर है आपका। ये जिंक डस्ट वाज एडेड टू डाइल्यूट H2SO4, ये लिखेंगे आप। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वाज एडेड टू कैल्शियम ऑक्साइड, ये आंसर है। ई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाज पास थ्रू KOH सॉल्यूशन, ये लिखेंगे आप। एफ, डायलूट HCl वॉज पोर्ड ऑन बेकिंग सोडा, आपका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, स्टेट द डिफरेंस ए एसिड एंड बेसिस, ये लिखो आंसर। बी, कटाइंस एंड अनाइंस, इसका आंसर ये है। सी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, आप ये आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्लासीफाई करना है आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अभी लास्ट आंसर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।